सिंसियर ग्रीटिंग्स एंड वार्म वेलकम टू डीएस इंग्लिश। दिस इज दीपमाला शर्मा और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज बेस्ड ऑन द पोएम डस्ट ऑफ स्नो रिटन बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। दिस पोएम इज फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th एंड इट इज़ फ्रॉम देयर बुक्स फर्स्ट फ्लाइट। कम टू द फर्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम। अब आपको ये बताना है इस क्वेश्चन में कि इस पोएम को लिखा किसने है, कौन है इस पोएम के पोएट। तो हमें पता है बहुत अच्छे से कि रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ द राइट आंसर। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इस पोएम के पोएट हैं। कम टू द सेकेंड क्वेश्चन, व्हाई डज द पोएट कॉल इट डस्ट ऑफ स्नो। पोएट डस्ट ऑफ स्नो को डस्ट ऑफ स्नो क्यों कहते हैं। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है क्योंकि जो स्नो पार्टिकल्स हैं दे वर टू टाइनी, क्योंकि जो स्नो के जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत ही महीन हैं, बारीक हैं। कम टू द नेक्स्ट वन, द पोएट सेज ऑफ अ डे आई हैड रूट। व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रूट। पोएट कहते हैं कि ऑफ अ डे आई हैड रूट, तो यहाँ पर रूट का मतलब क्या है। देखिए रूट का मतलब यहाँ पर है ऑप्शन जो बी है वो यहाँ पर करेक्ट है, दैट इज़ हेल्ड इन रिग्रेट। यानी कि जो दिन था पोएट का उस समय उनका मूड काफ़ी सैड था और इस वजह से उनका जो दिन है वो एकदम बर्बाद हो रहा था, तो इस वजह से उनका जो एक जो उनका जेस्चर है, उनका जो नोशन है उस समय वो है कि वो पश्चाताप कर रहे हैं, वो रिग्रेट फील कर रहे हैं कि उन्होंने अपना दिन खराब क्यों कर दिया। तो रूट का मतलब है यहाँ पर हेल्ड इन रिग्रेट, यानी कि पश्चाताप करना। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट अपलिफ्टेड हिज मूड। क्या ऐसी चीज़ हुई पोएट के साथ जिसने कि उनका मूड जो है वो अच्छा कर दिया। एंड द राइट आंसर इज फॉलिंग ऑफ स्नो ऑन हिज शोल्डर। क्योंकि जैसे ही पोएट के शोल्डर के ऊपर, कंधे के ऊपर डस्ट ऑफ स्नो गिरी, ओके, तभी की तभी पोएट का जो मूड है वो एकदम से चेंज हो गया। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द राइम स्कीम ऑफ द पोएम। अगर आप ध्यान से पोएम को समझेंगे और अगर आपने मेरी एक्सप्लेनेटरी वीडियो देखी है तो उसमें बहुत अच्छे से मैंने एक्सप्लेन किया है कि जो राइम स्कीम है पोएम की दैट इज़ ए बी सी डी सी डी। कम टू द नेक्स्ट वन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज्ड इन द लाइन्स हैज़ गिवन माई हार्ट। अब यहाँ पर बहुत ही क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पर हर जो साउंड है वो रिपीट हो रही है एंड इट्स अ कॉन्सोनेंट साउंड, हैंस एलिट्रेशन डिवाइस इज यूज्ड हियर। सेवेंथ क्वेश्चन, नेम द पोएटिक डिवाइस यूज द लाइन एंड सेव्ड सम पार्ट। अगेन एलिट्रेशन इज यूज एज द साउंड स हैज बीन रिपीटेड हियर। कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज डस्ट ऑफ स्नो रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो डस्ट ऑफ स्नो है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, तो दैट इज यू सी पार्टिकल्स ऑफ स्नो। डस्ट ऑफ स्नो सिंपली मीन्स स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ स्नो। नाइन्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द टू नेगेटिव क्रीचर्स दैट फ्रॉस्ट यूज्ड एज कैरियर्स ऑफ पॉजिटिविटी। पोएट ने यहाँ पर दो ऐसी चीज़ें यूज़ की हैं जो कि पॉजिटिव सिंबल हैं, तो वो इन ऑप्शंस में से क्या हो सकती हैं। देखिए करेक्ट ऑप्शन जो है वो है स्नो और डस्ट। ओके, स्नो और डस्ट जो हैं वो यहाँ पर पॉजिटिवली यूज़ किए गए हैं, जबकि लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है कि द क्रो एंड हेमलक ट्री सिम्बलाइज। तो क्रो और हेमलक ट्री जो हैं वो किस चीज़ को सिम्बलाइज कर रहे हैं, दे आर सिम्बलाइजिंग सोरो। तो अगर मान लीजिए पॉजिटिविटी की बात करें तो स्नो और डस्ट इज़ द राइट आंसर, लेकिन अगर मान लीजिए नेगेटिविटी की बात करें, यहाँ पर अगर होता नेगेटिविटी तो नेगेटिव सिंबल जो हैं वो पोएट ने कौन से यूज़ किए हैं, ये किए हैं उसने हेमलक ट्री और क्रो। ओके, तो आप ध्यान रखना कि इम्पॉर्टेंट है नेगेटिव जो सिंबल्स हैं वो भी पूछे जा सकते हैं आपसे, और क्योंकि एनसीईआरटी का क्वेश्चन भी है कि हेमलक ट्री और क्रो जो हैं दोज रिप्रेजेंट नेगेटिविटी। ओके, सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ दिस वीडियो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।